हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो लेक्चर में। और आज हम सीखने वाले हैं रेक्टेंगल का एरिया निकालना। तो रेक्टेंगल की लॉन्गेस्ट साइड को बोलते हैं लेंथ, ये हम सबको पता होगा। और रेक्टेंगल की शॉर्टेस्ट साइड को बोलते हैं ब्रेथ, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, जो आप सबको शायद पता भी होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ मतलब लॉन्गेस्ट साइड कितनी है हमारे इस रेक्टेंगल की, 14। और ब्रेथ मतलब शॉर्टेस्ट साइड कितनी है इस रेक्टेंगल की, 7। तो 14 7 आप सबको टेबल याद होने चाहिए, अगर नहीं है तो आपको करने चाहिए एटलीस्ट 20 तक। 7 4 20 8, 7 1 7 और 2 प्लस 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इस रेक्टेंगल का एरिया, मतलब कि कितना स्पेस ये रेक्टेंगल ले रहा है इस प्लेन में, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और घर पे बैठ के इस तरह के और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये हेल्पफुल हुआ कि नहीं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।